कम हो गया है, फोन में रहना कोई अच्छी बात नहीं होती। उस वक्त कोई भी जेल अगर किसी को लगता होगा, सर आपका पूरा सर आ रहा है, एक मिनट लोग मजे में रहते नहीं, जेल में रहना बहुत कठिनाई के साथ रहना पड़ता है, इसलिए जेल की संकल्पना बनाई गई। लेकिन अब आया हूँ, लोगों ने जोर से स्वागत किया, प्यार दिया, मुझे तो लगा था कि 3 महीने के बाद लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ, आज सुबह से देख रहा हूँ, आज सुबह अभी मैं माननीय उद्धव ठाकरे साहब से मिलने जाऊंगा, कल वो लगातार मेरे से बात कर रहे थे, आज सुबह शरद पवार साहब का भी फोन था, वो भी बीमार है, लेकिन पवार साहब को भी मेरे बारे में बहुत फिक्र थी है, तो मैं पवार साहब से जाकर मिलूंगा। बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, अभी अभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का फोन चल रहा था, कल जिस प्रकार का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस द्वारा में पूरे देश में एक अच्छा माहौल बना है। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ईडी पर करूंगा, ना जिस जिस लोगों ने ये साजिश रची थी, अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं उनके आनंद में सहभागी, लेकिन मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और न मैं करूंगा। जो मुझे भुगतना था, मेरे पार्टी को भुगतना था, हमने भुगतना, मेरे परिवार ने बहुत कुछ खोया है। होता है ऐसा जिंदगी में, राजनीति में हम लोग, लेकिन इस प्रकार की राजनीति देश के इतिहास में कभी न देखी। हमारा देश 150 साल गुलामी में था, उस काल में भी इस प्रकार की पॉलिटिकल राजनीति हमने देखी, दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता है पॉलिटिकल, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं पूरे सिस्टम को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दोष दूंगा, अच्छा काम करने का मौका उनको भी मिलता है, करना चाहिए, सबको करना टाइप करो, सक्सेस करा, घंटीचे बटन टिक करा, लाइक करा आणि शेअर करा।